सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये कॉमिक थ्रिलर है। तो जैसे मैंने बताया मेरे किरदार इसमें ज़्यादातर किरदार दो किरदार में आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बाबा ब्लैक शीप, क्योंकि होता है इसमें कहीं ना कहीं ब्लैक है, एक कॉन्ट्रास्ट भी है। हाँ कॉन्ट्रास्ट है, बिकॉज जब किरदार शुरू होता है तो बड़ा यंग सा चिल्ड्रन लड़का है, लेकिन कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट किलर बनने लगता है। अनुपम सर जो है वो एक जगह तो काजू शॉप के ओनर है, दूसरी जगह वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इसी तरह अनु कपूर साहब जो है वो यहाँ पे पेंटिंग्स की डीलिंग करते हैं, तो कॉन मैन भी बने हैं। तो इस तरह करके सबके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं एंड इसमें एक्शन काफ़ी ज़्यादा है, एक्शन भी है, आई थिंक वो सारी चीज़ें लोग। मनीष, यू कम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली? जी। सो डू यू नो पंजाबी ऑल्सो? बिल्कुल पंजाबी की गल करना जी करें। अच्छा, वेरी नाइस। केट वाली कहने आपा। अच्छा, ते पंजाबी च फिल्मा च आण दा कोई चांस हैगा तुहाडा? बिल्कुल, मेरे ख्याल पंजाबी फिल्मा जिहड़ियां बन रहीआं ने बहुत वधीआ ते वड्डी फिल्मा बन रहीआं, ते हुण बिल्कुल कोशिश है कि किसी नूं लगेगा कि मैनूं रोल दे सकदे ने, व्हाई नॉट, मैं इत्थे वी आवां। जट एंड जूलियट रीमेक, अच्छा उसमें आप जी? नहीं, वो एक्चुअली वो फिल्म थोड़ी सी ऑनेस्टली मतलब मुझे लग नहीं रहा कि आगे बढ़ने वाली, वो फिलहाल रुकी हुई थी, तो मैं फिलहाल फिल्म का पता नहीं, फिल्म मैं आगे बढ़ गया हूँ। सो अब देखते हैं प्रोड्यूसर्स का क्या कहना है उसमें। एनी पंजाबी मूवीज? नहीं, मेरी थोड़ी बहुत बात हुई है, बट अभी तक ऐसा कुछ मेरे पास आया नहीं जो मैं कहूँ डेफिनेटली मैं करना चाहूँ, बिकॉज मैं फिलहाल बहुत अलग तरह के रोल्स करना चाह रहा हूँ। कॉमेडी में डेफिनेटली लोग मुझे देखते हैं, बट और भी बहुत सी फिल्में हैं जो थोड़े ग्रे कैरेक्टर्स भी हैं जो डायरेक्टर्स मुझे ऑफर कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं, आई थिंक मैं एक एक्टर हूँ, मैं हर तरह का रोल करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉमेडी भी करो, एक्शन भी करो, ग्रे भी करो, नेगेटिव भी करो, सो आई थिंक जो भी अच्छा रोल आया मैं डेफिनेटली उसे निभाना चाहता हूँ। टेलीविजन वाइज होस्टिंग तो देखिए मेरी हमेशा चलेगी, वो मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ। सो अब इस साल थी, मैं पिछले साल ज़्यादा होस्टिंग नहीं कर पाया, थोड़ा व्यस्त था, कुछ फिल्में थी, मैंने गाना भी शुरू किया तो कुछ वीडियोज़ बना रहा था, उन चीज़ों में बिजी था, बट अब मेरी डेफिनेटली इस साल बात चल रही है एंड टेलीविजन पे अगेन कुछ ना कुछ स्टार्ट करूँगा। सिंगिंग में आपने अपना कोई ट्रैक हो? जी हाँ, मेरा एक गाना आया था हरजाई, तो हरजाई जो है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है यूट्यूब पे, देखिए 9 मिलियन व्यूज है, आपने भी देखा, थोड़ा सा देखो, एक व्यू और बढ़ेगा मेरा, सारे देखना। तो वो एक गाना मैंने रिलीज किया था, अप्रैल में एक और गाना रिलीज करने की प्लानिंग है। So, warning ki, I'll speak to Anubhav sir, jo producer the film ke, because that is a film I'm very, very proud of. Yes. Unfortunately, zyada log dekh nahi paaye because itne acche se promote nahi hui thi. But I think it came out in 3D also. Yeah. Aapne kaafi languages mein movies banayi. Sorry? Kaafi languages mein aapne movies banayi, and I'm comfortable. हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, बंगाली सब में काम करी। मनीष ने सिखाई है पंजाबी? सिखाई है इन्होंने? नहीं, मुझे मनीष अभी तक सिखाई नहीं है, बट मैं समझ आती हूँ पंजाबी, तो इंडिया में सभी लोग समझ आते हैं। और मैं एक्चुअली नॉर्थ में बली बड़ी हूँ, मैं दिल्ली में, शिमला, जम्मू वगैरह, तो पंजाबी सुन सुन के आई कैन वेरी हैप्पीली अंडरस्टैंड। योर मराठी मुलगी? यस, आई एम मराठी। अभी क्वेश्चन इज टू मनीष, एज एन एंकर, एक्टिंग, सिंगिंग सब कुछ करते हो आप, सबसे ज्यादा आप किस चीज को एंजॉय करते हो? मैं अपना घर साफ करना सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूं, मैं वो भी काम करता हूं, मैं फ्री टाइम में ये काम भी करता हूं। नहीं, एक्चुअली मैं एक्टिंग, सिंगिंग एंड होस्टिंग, इनमें से कोई एक नहीं चुन सकता, मैं थोड़ा ग्रीडी आर्टिस्ट हूँ, मुझे सब कुछ चाहिए, तो मैं सब इन्जॉय करता हूँ। जहाँ मुझे, मैं फ्री बैठना पसंद नहीं करता, तो मैं काम करता रहता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं यार थोड़ा वेट कर, यू नो कुछ और बड़े प्रोजेक्ट आए, ये आए, वो आए, मैंने कहा नहीं यार, प्रोजेक्ट बड़ा छोटा क्या होता है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट होता है, आप उसको बड़ा या छोटा बनाते हो। सो आई थिंक मैं तो जो भी प्रोजेक्ट करता हूँ मेरे तो बहुत बड़ा है, और मैं पूरे दिल से उसमें काम करता हूँ, और जब सिंगिंग आए सिंगिंग, होस्टिंग आए होस्टिंग, एक्टिंग आए एक्टिंग, आई थिंक अभी और कोई नहीं है जो इतना कुछ कर रहा है ऐसा वाला। लेकिन आपकी होस्टिंग जो है वो हर बच्चा है, हाँ, टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड। आपकी जो होस्टिंग है दैट इज मच मोर कनेक्टिव जी, एंड बहुत आप कनेक्ट करके रखते हो लोगों को, एंड बहुत अच्छा कनेक्ट करके रखते हो। बिल्कुल, आई थिंक सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ऑनेस्टली, मैं किसी को बुरा या भला या कुछ ऐसा नहीं, नहीं, आप एक चीज से कनेक्ट करो तो ज्यादा, मतलब यू नो ऑडियंस को बहुत थ्रिल करते हो आप। जी, दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज। हां, मैं बिल्कुल ऑडियंस में जब काम कर रहा होता हूं, मैं होस्टिंग कर रहा होता हूं, तो मैं खुद के लिए नहीं कर रहा होता, मैं एक्चुअली फील करता हूं। लेट्स से अगर मैं माधुरी जी का पल्लू पकड़ता हूं,
तो इट्स नॉट ओनली मी हु इज होल्डिंग द पल्लू, मैं ये सोचता हूँ वो जो हजारों लोग देख रहे हैं वही शायद ये करना चाहते हैं, कोई ऐसा सवाल पूछता हूँ जो मुझे लगता है वो जो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के भी देख रहा है वो शायद उसके दिल में ये सवाल हो। एक आप और एक कपिल, बस दो ही हैं जो मतलब ज्यादा यू नो बहुत एंथुसियास्टिक हैं। कहां से आते हैं आप, वेयर डू यू कम फ्रॉम? मैं एक्चुअली दिल्ली से, दिल्ली मैं, मेरी पैदाइश मुंबई की है, मेरी मम्मी बॉम्बे से, सो मैं पैदा वहां हुआ था बट पला बड़ा दिल्ली में हूं एंड सारी मेरी एजुकेशन यहीं हुई। अच्छा, मराठी बोल लेते हैं आप? हां जी, मराठी भी बोल लेते होंगे। नहीं, मराठी में मैं मुलगी शिकली प्रगति झाली एंड डोका फिर उन्होंने कान फड़क मारी है, इसका मतलब होता है दिमाग मत खराब कर कान के नीचे मारो। ये मेरे लिए तो नहीं, खाली कानपट्टी देने को ये लोग, ये भी आया है क्या? काना खाली कानपट्टी देने, पता नहीं मुझे तो गुड़ पट्टी बता जी, कानपट्टी की तो नेक्स्ट कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भी बता दीजिए। बाबा ब्लैक शिप तो पता लग गया हमें जी, बाबा ब्लैक शिप आ रही है, उसके अलावा एक मेरा गाना है जो बस हम प्लान करें अप्रैल में रिलीज करेंगे, और उसके अलावा एक और फिल्म मैंने भी खत्म करी है विच इज अ डार्क फिल्म, अभी उसके लिए मुझे बिल्कुल मना किया गया कुछ नहीं बोलना, ये लुक भी मैंने उसके लिए छोटे बाल किए थे तो उन्होंने कहा तेरी पहचान बहुत होती है, तेरे बाल बड़े अच्छे बने होते हैं, तो मैं बिल्कुल छोटे कर देने हैं। फोटो डाल देते हैं फर्स्ट लुक जी, मैं बिल्कुल डालने का मन था, मैं मेरे ख्याल वो कह रहे हैं प्रोड्यूसर्स अभी इन दिनों कह रहे थे कि और 10 दिन में कुछ फोटो डालेंगे नेट पे, तो बस वो है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मैं US चला जाऊँगा अपना दबंग टूर के लिए विद सलमान खान, बस उसी में थोड़ा मंचरी जी, मतलब उनके साथ एक्टिंग का क्या है जी? दबंग टूर में एक्चुअली एंटरटेनमेंट शो होता है हमारा, तो हम सारे जाते हैं वहाँ पे, मैं होस्टिंग भी कर रहा हूँ, मैं गाना भी गा रहा हूँ, मैं डांस भी कर रहा हूँ, और सलमान सर हैं, कटरीना है, जैकलीन है, प्रभु देवा है, सोनाक्षी है, सो हम लोग सारे जाते हैं, बस खूब मजा करके आते हैं, लोगों को एंजॉय कराते हैं। अपार्ट फ्रॉम होस्टिंग एंड एक्टिंग आप काफी थ्रिलर मतलब स्काई डाइविंग वगैरह भी किया है आपने, क्या किया है? स्काई डाइविंग मुझे बहुत शौक, सारे होमवर्क करके आए हैं जी, मतलब नहीं मेरे को, मैं एडवेंचर का बहुत बड़ा कीड़ा है, उसमें एक सीन था जिसमें हम लोग जेट स्की के ऊपर एकदम समंदर के बीच में, यू नो, लाइक बड़े स्टाइल के साथ ही चला रहा है, और वो चला गया अपना लाइफ जैकेट पहन के, मुझे बहुत डर लगता है, मैं मतलब वैसे नहीं डरता बट हाँ मुझे तैरना नहीं आता, मतलब बीच पानी में आप मुझे फेंक दो लाइफ जैकेट के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उससे डर नहीं लगता, बट जब जैसे ही जैकेट उतरी फिर मैं मंजरी से भीख मांग रहा था प्लीज मुझे बचा लो। I can dive down to like 50 feet and all that, and बेचारे को swimming नहीं आती, तो मैंने बोला था don't worry, I will come to your rescue. Yeah, so, yeah, you see because. Manjari, आपकी नई movies कौन-कौन सी आ रही हैं? इसके बाद कौन सी movie देख? इसके पहले का भी मैं बता दूँगी आपको, मेरी एक short film आई, दो short films आई हैं, जो एक तो Filmfare Award जीती है, Filmfare Award जीती थी film. मैं I'm lucky. कि मैं एक्चुअली कह सकता हूँ कि मैं एक फिल्म फेयर विनर के साथ काम कर रहा था। यू वेलकम, यू वेलकम। व्हिच वन? सो वन इज खामखा जो वायरल हुई थी, उसको बेस्ट शॉर्ट फिल्म पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला था। अरबाज खान के साथ? नहीं, वो फीचर फिल्म है। ये शॉर्ट फिल्म थी? ये शॉर्ट फिल्म थी, 15 मिनट की फिल्म है, यूट्यूब पे है खामखा। हां हां, देखिए वो हर्षवर्धन दानिया और मैं देखिए, और एक और आई थी कॉट, अभी वो इस साल नॉमिनेट हुई थी फिल्म फेयर के लिए, वो भी आप देखिएगा जरूर। अभी एक और शॉर्ट फिल्म आ रही है विद जैकी श्रॉफ एंड अर्जुन बाजवा एंड दिव्या दत्ता, माई सेल्फ एंड लॉट ऑफ पीपल, सो एक वो आ रही है, फिर मेरा एक सिंगल आएगा बहुत जल्दी, उसकी बस वीडियो बननी है, एंड लास्ट मूवी तो विद किस किस को प्यार करूँ, हाँ वो नहीं उसके पहले आई थी बीच में बट इट्स ओके, किस किस को प्यार करूँ, किस किस को प्यार करूँ। चंडीगढ़ फर्स्ट टाइम आना हुआ है दोनों का या पहले भी आते रहे? नहीं, पहले भी मैं काफी बार आया हूँ चंडीगढ़, लेकिन ज्यादातर मुझे बहुत ज्यादा घूमने का मौका नहीं मिला, मैं कोशिश करता हूँ सेक्टर 17 की एक गेड़ी मार के जाए, तो आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं, काफी सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ, तो ऑलरेडी पहुंचे हुए थे, अभी होटल मिले हैं, तो वो कह रहे हैं तू
शाम में कुछ भी हो तू वेला हो गया आ तो मैंने कहा चलो एक गेड़ी तो मार के जाएंगे मंजरी को भी दिखाना आप चंडीगढ़ हम मंजरी को लेके जाएंगे पूरा वहां गेड़ी दिलवाएंगे अभी तक इनविटेशन नहीं था आपकी वजह से मिल गया थैंक यू वेरी मच एक्चुअली लौंडे जा रहे थे मैं गेट लॉस्ट जान के पैसे आ जाओ बाकी डायरेक्टर के साथ जैसे आपका ये तो यही मेरा रहता है कि बहुत मेहनत करवाई है उन्होंने और मैं दिल से बता रहा हूं कि आई थिंक दिस इज वन फिल्म जहां पे मुझे बहुत ज्यादा मजा आया बिकॉज इन्होंने सिखाया बड़ा चाहे वो विश्वास सर थे चाहे वो अनुपम सर अनु सर के सर तो आई थिंक मैं मजा ले रहा था मैंने चलो मुझे पैसे दे रहे हो और फिर भी सिखा रहे हो ये तो पहली बार हो रहा है एक्चुअली मैं अनुपम जी के साथ एक और फिल्म कर चुकी हूँ उसके पहले आपको याद है ना आपको सब पता है बता दो चलो आपका टेस्ट शुरू होता है कौन सी फिल्म थी अनुपम जी के साथ It's okay, Zocomo. यार इनके दिल में पड़ चुका था मैं Zocomo. Zocomo नाम की फिल्म डिज्नी के साथ हमने की थी एक तो मैं उनको तब से जानती हूँ एंड ही इज ऑलवेज बीन सो वंडरफुल सो एनकरेजिंग तो हमेशा एज मनीष ऑलरेडी सर उनके साथ सीखने को बहुत मिलता है इवन अनु जी अनु कपूर सर प्लेड माई फादर इन दिस फिल्म एंड ही वॉज लाइक अ चाइल्ड ऑन द सेट उनको हमेशा वो you know he was constantly telling us stories and rehearsal karte the and you know even though he's already a well established actor so itni aur mehnat karne ki zarurat nahi hai lekin wo constantly mehnat karte rahenge he keep learning keep teaching so it was a very beautiful experience on this film session